हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमन देवतिया। हियर टू सेकंड लेसन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इट इज रिटन बाय द राइटर गॉर्डन कुक एंड द एलन ईस्ट। इस चैप्टर में आपको मैंने कल बता दिया था, आई टोल्ड यू देयर आर सिक्स कैरेक्टर्स, गॉर्डन, मैरी, जोनाथन, सुजैन, लैरी विजिल एंड हर्ब सीजलर, देवर क्रूमैन। इतना मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव वर गिगेंटिक। तो राइटर यहाँ पे क्या बता रहा है कि अर्ली मॉर्निंग, डॉन अर्ली मॉर्निंग, 2 जनवरी की अर्ली मॉर्निंग में द वेव वर गिगेंटिक, जो वेव थी बहुत ही गिगेंटिक थी, वेरी ह्यूज, लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज इन साइज, यानी कि ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। वी वर सेलिंग ओनली विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप। हम जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, सेलिंग में ट्रैवलिंग जो कर रहे थे, एक छोटी सी स्टॉर्म जिप के साथ ट्रैवलिंग कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots, और फिर भी हमारी जो स्पीड थी नोट्स थी, यानी कि 8 knot की स्पीड से फिर भी हम आगे बढ़ रहे थे, आगे चल रहे थे। जिप इसमें होती है, एक पाल में लगी होती है, ट्रायंगुलर टाइप होती है, इस तरह और उसमें पाल में लगी होती है ये, तो वो लगा रखी थी उसने, और फिर भी वो 8 knot की स्पीड से चल रहे थे। एट द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। और जैसे ही शिप के सामने वो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, वी सी कुड एंडलेस एनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस, तो हमें ऐसा दिख रहा था कि एंडलेस अनलिमिटेड, कोई एंड ही नहीं है, जो रोलिंग करता हुआ जो वॉटर है, सी वॉटर है, वेव जो है रोलिंग करती हुई तरफ को आ रही थी। एंड द स्क्रीमिंग स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। और जो स्क्रीमिंग स्प्रे का, तो स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, स्क्रीमिंग ऑफ द विंड मीन्स जो विंड तो बहुत तेज थी, आंधी तूफान की तरह, और उसकी जो आवाज थी बहुत तेज साउंड थी, उसकी चिल्लाने की आवाज थी। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू ईयर्स, और जो स्प्रे यहाँ पे किसके लिए है कि जो वेव्स ऊंची ऊंची उठ रही थी, उसमें पानी की भी आ रहा था, पानी की छींटे थे, साथ में जो वेव थी उसकी यानी कि हवा की विंड की जो तेज आवाज थी, वो हमारे कानों के लिए बहुत पेनफुल हो रही थी, यानी कि कानों में बहुत चुभ रही थी, कानों के लिए बहुत पेनफुल थी हमारी। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, और फिर उन्होंने क्या किया, अब उन्हें बोट को थोड़ा डाउन करना था, थोड़ा स्लो करना था। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, तो उन्होंने क्या किया कि जो स्टॉर्म जिप थी उसको ड्रॉप कर दिया, यानी कि नीचे गिरा दिया, उस जिप को नीचे गिरा दिया। एंड लेस्ट अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न मीन्स बैक पार्ट ऑफ द शिप, एक हैवी रस्सी लेकर के, हैवी रोप लेकर के, जो स्टर्न था, जो बैक उसका शिप का बैक पार्ट था, उसमें बांध दिया। और लूप बोलते हैं इस तरह करके, यानी कि इस तरह लूप करके, और रस्सी से मतलब जो गांठ लगाते हैं, इस तरीके से उन्होंने उसको बांध दिया अक्रॉस द स्टर्न। देन वी क्या किया, हर चीज को डबल डबल करके बांध दिया, डबल डबल नोट लगा दी उसमें। वेंट थ्रू आवर लाइफ रैप ड्रिल, और फिर क्या, ड्रिल मींस प्रैक्टिस। फिर क्या किया उन्होंने कि जो लाइफ राफ्ट लेकर के उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस किस लिए स्टार्ट कर दी कि कैसा भी बेकार से कोई भी कंडीशन हो सकती है आगे चल करके, हम उसको कैसे फेस करेंगे, उसके लिए उन्होंने ड्रिल करनी शुरू कर दी। अटैच लाइफलाइन, और क्या हुआ, अपने को लाइफलाइन से जोड़ लिया, अटैच कर लिया। डोंट ऑयल स्किन्स, ऑयल स्किन्स होता है एक हैवी क्लॉथ होता है और उसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं, तो उसको ऑयल स्किन्स बोलते हैं। और डोंट मीन्स पहन लिया, उन्होंने जो ऑयल स्किन थी वो भी पहन ली। एंड लाइफ जैकेट, और लाइफ जैकेट को भी पहन लिया। एंड वेटिंग, और वेट करने लगे किसके लिए, फॉर द वर्स्ट, अब कोई भी कंडीशन हो जाए, कितनी भी कंडीशन खराब हो जाए, कैसी भी वेव जाए, तूफान आ जाए, कोई भी आ जाए, और उसके लिए वेट करने लगे, यानी कि अब वो प्रिपेयर थे, अब वो तैयार थे किसी भी कंडीशन को फेस करने के लिए। क्लियर।
द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM. तो यहाँ पे राइटर कह रहा है इम्पेंडिंग में लूमिंग आने वाला, यानी कि हमें एक पहले इंडिकेशन मिल गया था किसका, इम्पेंडिंग डिजास्टर, यानी कि अभी डिजास्टर आने वाला था और मतलब एक तरीके से आपदा आने वाली थी, उसका इंडिकेशन हमें लगभग 6 PM यानी कि शाम को 6 बजे के लगभग हमें इंडिकेशन मिल गया था, यानी कि ऐसा संकेत हमें मिल गया था कि बहुत बड़ी डिजास्टर आने वाली है. विद अ ओमनिवस साइलेंस, और कैसे, किसके साथ, ओमनिवस साइलेंस यानी कि अनप्लीजेंट साइलेंस, बहुत ही डरावने खामोशी के साथ, यानी कि कैसे इंडिकेशन मिला, एकदम से अजीब सी खामोशी छा गई और उन्हें ये इंडिकेशन मिल गया कि अब डिजास्टर आने वाला है. द विंड ड्रॉप्ड, क्या हुआ, विंड ड्रॉप्ड हो गई, यानी कि जो हवा चल रही थी, विंड चल रही थी बहुत तेज तेज, वो कम पड़ गई, धीमे पड़ गई, यानी कि बंद हो गई एक तरीके से. एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रू डार्क, और जो स्काई था वो भी एक तरह से डार्क हो गया, यानी कि काला काला छा गया, अंधेरा हो गया, एकदम डार्क हो गया, आसमान में भी एकदम अंधेरा छा गया. देन केम अ ग्रोलिंग रोर, ग्रोइंग रोर, और फिर क्या हुआ, एक दहाड़ने जैसी आवाज, ग्रोइंग रोर, दहाड़ने जैसी आवाज आई. एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड्स ऑफ द शिप, और हमारे शिप की तरफ एक ऐसा लगा कि एनॉर्मस वेरी ह्यूज क्लाउड, बहुत बड़ा क्लाउड हमारे शिप की तरफ है, यानी कि बहुत ही बड़ा क्लाउड उन्हें दिखाई दिया, डार्क तो हो ही गया था चारों तरफ, तो डार्क कलर का ही उन्हें एक क्लाउड दिखाई दिया. विद हॉरर, विद हॉरर, ओह माय गॉड, राइटर ने एकदम ऐसा देखा उसके बड़े डर से, डर करके, घबरा करके, ओह माय गॉड व्हाट इज दिस, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड. और फिर राइटर ने क्या रियलाइज किया कि अरे ये तो क्लाउड नहीं है, इट वॉज नॉट अ क्लाउड, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि ये तो वेव है, क्लाउड नहीं है, ये तो वेव है, ये तो लहर है, जिससे मैं ऐसी तो लहर मैंने कभी देखी नहीं, यानी कि जिसको राइटर क्लाउड समझ रहा था वो एक बहुत बड़ी लहर थी, और राइटर खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि इतनी बड़ी लहर, इतनी ऊंची लहरें मैंने कभी देखी नहीं. इट अपीयर परफेक्टली वर्टिकल, और कैसे दिख रहे थे, परफेक्टली वर्टिकल, यानी कि सीधे, आप ये आइडिया लगा सकते हो कि इतनी ऊंची लहर थी कि बिल्कुल सीधे खड़ी दिखाई दे रही थी उनको, वर्टिकल. एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जो अदर वेव्स थी, दूसरी वेव जो हो रही थी उनसे तो डबल हाइट, यानी कि दोगुनी थी, बड़ी थी, साइज में भी डबल थी. विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ऐसे लग रहा था कि जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट का मतलब जो टॉप ऑफ द वेव, यानी कि वो अब उन पर ही टूटने वाली है, यानी कि इस मीन्स कि उन पर ही गिरने वाली है, जो ऊंची ऊंची लहरें हैं, अभी लग रहा था कि उन्हीं के शिप पे गिरने वाली है, वो उन्हीं पे आने वाली है. क्लियर. नेक्स्ट पैराग्राफ, द रोयर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव, और जैसे शिप का जो स्टर्न था, पिछला हिस्सा था उसका, वेव के सामने को बढ़ा, यानी कि उसकी तरफ को चला, वेव्स की तरफ को चला, तो जो रोयरिंग की साउंड थी वो थंडर में बदल गई. जैसे ही शिप का जो पिछला हिस्सा उसकी तरफ को बढ़ा, तो जो रोयरिंग की साउंड थी वो थंडर में बदल गई, कहने का मतलब कि बहुत ऊंची गड़गड़ाहट, बहुत तेज गड़गड़ाहट होने लगी. एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और कुछ क्षण के लिए तो मैंने ऐसे सोचा कि शायद इसको हम पार कर जाएंगे, जो ये वेव है शायद हम इसको पार कर जाएंगे. बट देन अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन फिर क्या हुआ, एक बहुत तेज धमाका, ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन में धमाका, बहुत तेज धमाका हुआ, और फिर क्या हुआ, उसे शुक द डेक, जो डेक था, जो शिप का डेक था, उसे पूरा उसको हिला दिया, यानी कि शिप का जो डेक था वो कांप उठा, इट मीन्स कि थका उठा, अब कुछ भी बोल लीजिए उसको, यानी कि पूरी जो शिप का डेक था वो हिल गया. A torrent of flying overboard and sinking below the waves. Torrent का means होता है strong waves. जो strong wave थी वो आई और वो ऐसे लगा कि जैसे मैं नाव के ऊपर उड़ के उड़ कर गिर रहा हूँ. नाव के ऊपर कोई उड़ गया, वो पानी के साथ ऐसे उछल गया कि नाव के ऊपर ही गिर गया. And sinking below the waves. और जैसे कि हमें पानी में ही डूबने वाला हूँ, उसको ऐसा लगा कि उछल करके मैं अपने शिप पर गिर गया और इसमें सिंकिंग ब्लो द वेव, और उस वेव में ही डूब गया, यानी कि पानी में ही डूब गया, उसको ऐसा फील हुआ, राइटर को ऐसा फील हुआ.
आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ. और राइटर कह रहा है यहाँ पे कि मैंने अपनी आती हुई डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था. एक्सेप्ट कर लिया था इट मीन्स कि राइटर को लग रहा था कि अब बचने वाले नहीं हो, अब तो एंड है, अब तो लास्ट ही होने वाला लाइफ का, यानी कि अब बचने वाला नहीं, उस बात को उसने एक्सेप्ट कर लिया था. एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और मैं अनकॉन्शियस होता जा रहा था, यानी कि फेंट होता जा रहा था, बेहोशी की हालत में होता जा रहा था. आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और उस समय बिल्कुल शांत महसूस कर रहा था, क्योंकि फेंट तो हो ही रहा था, उसे कुछ ऐसा और इधर उधर से कुछ फील नहीं हो रहा था, तो शांत महसूस कर रहा था उस समय, क्योंकि वो अनकॉन्शियस की कंडीशन में था राइटर उस समय. नेक्स्ट पैराग्राफ, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वॉटर. अब कंडीशन ये हो रही थी पानी में, वो इस तरह से हो रहा था, तो राइटर यहाँ पे कह रहा सडनली, अनएक्सपेक्टेडली सडनली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वॉटर. तो राइटर कह रहा है कि मेरा हेड जो है वो पानी से आ गया, बाहर निकल गया सडनली, अचानक से. उसे तो ये लग रहा था कि जैसे अब तो डेथ आने वाली है, तो मृत्यु होने वाली है, डेथ होने वाली है, लेकिन क्या हुआ, सडनली उसका जो हेयर था वो पानी से बाहर आ गया. अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्सिजिन, और कुछ मीटर की दूरी पे उनकी जो ये वेव वॉकर थी, यानी कि शिप था, वो उलटने वाली हो रही थी कुछ मीटर की दूरी पे. ऐसा लग रहा था कि उनके उलटने वाली है, यानी कि कैप्साइजिंग होने वाली है. हरमोस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और जो शिप का मास्ट था वो भी हॉरिजॉन्टल हो गया था एकदम, कंडीशन उसके एकदम वो भी हॉरिजॉन्टल हो गया था एकदम. देन अ वेव हर्ड अपराइट, फिर क्या हुआ, एकदम से वेव आई, काफी पावरफुल वेव आई, और उसने अपराइट कर दिया उसको, एकदम सीधे कर दिया. माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, और इससे क्या हुआ कि जो मेरी लाइफ लाइन थी उसको एकदम जर्क लगा, यानी कि धक्का लगा, जर्क लगा, और उसे कस गई जो उस तरह थी, वो थी लाइफ लाइन जो थी वो टाइट हो गई और खींच गई. आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, और राइटर ने क्या किया, जो गार्ड रेल्स थी उसको ग्रैब कर लिया, यानी कि उस पकड़ लिया, एकदम से उस गार्ड रेल को पकड़ लिया. एंड सेल्ड थ्रू द एयर इन टू द वेव वॉकर मेन बूम, और क्या हुआ, सेल्ड थ्रू द एयर मीन्स हवा में तैरता हुआ, भाई तूफान आ रही है तो सब चल रहे थे, वेव वहां पे चली रही थी, तो उसने थ्रू द एयर, सेल्ड थ्रू द एयर, हवा में तैरता हुआ वो इन टू वेव वॉकर मेन बूम, यानी कि वो कहाँ पे जाके टकरा गया, मेन बूम से, यानी कि वेव बूम होता है एक पाल टाइप होती है, उसमें डंडा सा होता है, उससे जाकर के राइटर टकरा गया एकदम, हवा में तैरता हुआ उसमें जाकर के एकदम टकरा गया. क्लियर. सब्सिक्वेंट वेव टॉस्ड मी, अब इस तरह की जो सब्सिक्वेंट मीन्स आने वाली जो वेव्स थी, जो लहरें आ रही थी कंटिन्यू, टॉस्ड मी अराउंड द डेक, और उसने मुझे उछाल दिया, एकदम टॉस्ट कर दिया, उससे मैं लहरों से उछल गया. अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, लाइक अ रैग डॉल, रैग डॉल मीन्स डॉल में तो डॉल होती है, और रैग मीन्स फटे पुराने जो कपड़ों की डॉल बना दी जाती है, ऐसे ही रफ एंड टफ सी बेकार सी जो डॉल बना दी जाती है. तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल बेकार डॉल की तरह, रैग डॉल की तरह उसमें डेक के डेक पर पटक दिया, उन वेव्स ने मुझे डेक पर पटक दिया, यानी कि उसने मुझे एकदम उछाल करके, और गुड़िया की तरह जैसे इधर से भी उधर से भी लहरें आती रही, और वो उसने डेक पे गिर गया जाकर के, वो डेक पर उसको उछाल दिया, गिरा दिया या पटक दिया, यू कैन से. माई लेफ्ट रिब क्रैक्ट, अब देखो यहाँ पे राइटर क्या करा कि माई लेफ्ट रिब क्रैक्ट, कि मेरी लेफ्ट रिब जो थी वो भी क्रैक हो गई, यानी कि रिब मीन्स पसलियां, जो लेफ्ट साइड की पसलियां थी, रिब्स थी, वो भी क्रैक्ट हो गई, टूट गई. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और राइटर कह रहा है कि जो मेरा माउथ था वो भी खून से भर गया, ब्लड से भर गया, यानी कि उसको चोट आई था फिर. एंड ब्रोकन टीथ, और जो दांत टूट गए थे, कहने का मतलब कि उसके मुंह में जो दांत टूट गए थे वो उसके मुंह में थे, और खून था उसके मुंह में, ब्लड ही ब्लड था, ये था, कुछ दांत भी राइटर के टूट गए थे. समहाउ आई फाउंड द व्हील, तो राइटर कह रहा है कि किसी तरीके से मैंने जो व्हील था, व्हील मीन स्टेयरिंग, जो स्टेयरिंग था उसको पकड़ा, एक तरीके से उसको संभाल लिया. लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और अगली वेव के जो भाई नेक्स्ट वेव भी आने वाली थी उसके लिए उसको ठीक किया, लाइन अप का मतलब उसको थोड़ा ठीक कर लिया मैंने इस बीच में, क्योंकि वेव एक के बाद एक आ रही थी. एंड हंग ऑन, और वहीं पे मैं रहा, हंग ऑन का मतलब वहां से हटा नहीं,
वहीं पे रहा, वहीं पे डटा रहा, यानी कि उसको नाव को ठीक करके और फिर व्हील मैंने संभाल लिया और वहीं पे खड़ा रहा, आगे कुछ नहीं किया, बिल्कुल उसे व्हील को संभाले हुए खड़ा रहा और नेक्स्ट वेव का के लिए अपने उसको थोड़ा ठीक भी कर लिया था, उसको संभाल लिया था। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट विल बी कवर्ड इन अवर नेक्स्ट वीडियो।